क्रिकेट की दुनिया में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका की टीम ने रोमांचक मैच में पहली जीत हासिल कर ली है। कुशल परेरा की जबरदस्त पारी ने श्रीलंका की टीम को सीरीज में जीत दिलाई है। कुशल परेरा ने 200 गेंदों और 153 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच के हकदार भी बने। टॉस जीतकर श्रीलंका ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पहली पारी में 235 रन बनाए, वहीं श्रीलंका की टीम ने अपनी पहली पारी में 191 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की टीम दूसरी पारी में 259 रन ही बना सकी और श्रीलंका टीम को 304 रनों का लक्ष्य मिला। लक्ष्य का पीछा करते श्रीलंका के बल्लेबाज कुशल परेरा ने पूरी संघर्ष के साथ बल्लेबाजी की और विश्व फर्नांडो के साथ 78 रन की साझेदारी निभाकर टीम को एक विकेट से जीत दिलाई। वही मैच के दौरान 82.2वें ओवर में जब विश्व फर्नांडो बल्लेबाजी कर रहे जब उन्होंने डेल स्टेन की गेंद पर स्लिप की तरफ शॉट मारा, स्लिप में खिलाड़ी की गलती के वजह से गेंद जमीन पर ही रह गई। वही विश्व फर्नांडो ने इसका फायदा उठाकर रन भागने की कोशिश की थी। वही फाफ डुप्लेसिस ने जमीन से गेंद उठाकर डेल स्टेन की तरफ फेंका था पर डेल स्टेन गेंद को नहीं पकड़ पाए और गेंद स्टंप को भी लगी नहीं। फाफ डुप्लेसिस ने बीच मैदान में डेल स्टेन को फटकार लगाई। अगर फाफ डुप्लेसिस की फेंकी गेंद को डेल स्टेन पकड़ लेते तो दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट जीत जाता, क्योंकि अफ्रीका को जीत के लिए एक विकेट चाहिए थे पर ऐसा नहीं हो सका। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है किसकी गलती के वजह से दक्षिण अफ्रीका हार गया?